तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य था कि जो कुछ भी चेंज आया, द एंटायर ट्रांजिशन वॉज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द गवर्नमेंट, इट वॉज फॉर द सेक ऑफ एंटायर माइंडसेट एंड टेंडेंसी। दो बिंदु और कहूंगा उसके बाद, वो टेंडेंसी और माइंडसेट क्या था, इसके लिए एक पॉइंट आपसे कहता हूं, हम सब ने सुना होगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल किसी को लग सकता है। अलेक्जेंडर आया, पोरस को हराया, पोरस को बंदी बनाया, फिर पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस को छोड़ दिया, वापस गया, रास्ते में एक ट्राइबल ने उसके ऊपर अटैक किया जिसमें उसको चोट लग गई, और चोट लगने के बाद वो घायल हो गया, और रास्ते में अलेक्जेंड्रिया में उसकी डेथ हो गई। यही हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है ना। पहली बात, भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है, सारा उल्लेख ग्रीक हिस्टोरियंस की तरफ से। दूसरी बात, दुनिया में कोई और उदाहरण आपको याद है जीतती हुई फौज वापस चली गई हो? और अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया से लेकर पर्शिया तक जिस राजा को जीता उसका सर धड़ से अलग कर दिया, और यहीं उसके हृदय में इतनी करुणा उत्पन्न हो गई कि उसने पोरस को छोड़ दिया। तीसरा, विश्व विजय करती हुई लौटती सेना पर कबीलों ने अटैक कर दिया। हकीकत यह रही होगी कि जो अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी सुनाई जाती है वो भारतीय परंपरा के अनुरूप ज्यादा है। हमारे यहां राजा हारता था, दूसरा राजा कहता था सम्मान पूर्वक रहो और जाओ, छोड़ देता था, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार छोड़ा। कर्नल जेम्स स्टॉट, जिन्होंने एक बुक लिखी है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उन्होंने लिखा है कि भारत के जो हिंदू राजा थे उनके लिए युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होता था। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से युद्ध लड़ते थे, युद्ध खत्म होने के बाद छोड़ दिया करते थे। लॉजिकल ये है कि अलेक्जेंडर हारा होगा, बंदी बनाया गया होगा, पोरस ने उसको छोड़ दिया होगा, और हारी हुई फौज पे ट्राइबल्स अटैक करते हैं। हॉलीवुड की मूवी देखिएगा अलेक्जेंडर, उसमें दिखाया गया है कि वो हार गया था और युद्ध में घायल हुआ। और उसके बाद सुनिए, एक हारी हुई फौज जा रही थी जिसका राजा रास्ते में मर गया। अब वो फौज जो बड़े जलवे से निकली थी अपने देश से कि विश्व विजय करने जा रहे हैं, क्या कहानी सुनाती अपनी जनता को कि हम गए हार के वापस आ गए और राजा रास्ते में मर गया। उसे कुछ तो बताना ही था कि हम क्यों वापस आए, तो कहानी उसी हिसाब से बनाई गई और धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आ गई। दूसरा उदाहरण देता हूं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कब आई? 1850 के आसपास। क्यों आई 1850 के आसपास? संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ये कहने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं था। सर विलियम जोन्स थे जो कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे ब्रिटिश टाइम में, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। मगर उन्होंने ये सिद्ध कब किया? 1780 और 90 के आसपास। अब ये फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था कि आप तो हुकूमत कर रहे हैं और आप जिसको गुलाम बना के बैठे हुए हैं उसकी लैंग्वेज की सुपीरियरिटी आपसे ज्यादा है। फिर उन्होंने कहा भारत एक देश था ही नहीं कभी, इट वॉज नेवर ए यूनाइटेड कंट्री। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का साम्राज्य खोज लिया। अब ये पता चला कि इतना बड़ा एंशियंट एम्पायर था, बर्मा से लेके और अफगानिस्तान तक एरिया में यूरोप के बराबर, आबादी में यूरोप से डबल, इजिप्ट से लेके जापान तक उसका इम्पैक्ट था। तो अब क्या करें, अब तो पॉलिटिकली भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं, नॉलेज में भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं, लैंग्वेज में भी हमसे सुपीरियर दिख रहे हैं। तो अब एक ही तरीका है कि ये सुपीरियरिटी हम लेके आए थे, और वहां से आर्यन इन्वेजन थ्योरी आकर खड़ी हो गई। तीसरी फॉल्ट लाइन हमारे यहां बनाई जाती है, दलित समाज को स्थान नहीं दिया जाता था, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति के दो सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों के रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि। आज की परिभाषा के अनुसार जो वाल्मीकि समाज है वो किस कैटेगरी में आता है? दलित। महर्षि वेदव्यास कौन? आज की परिभाषा के अनुसार कौन? शहरी समझा जा सकता है। और अगर ये सत्य था तो संत दादू, संत नामदेव, संत रैदास, संत कबीर, दक्षिण भारत के संत थिरुवल्लुवर, ये सब उस वर्ग में पैदा होकर सम्मानित संत हुए। रानी झलकारी बाई, ऊदा देवी पासी, राजा बिजली पासी राजा भी हुए। और यथार्थ कई बार हम लोगों से ऐसा घुमा के छुपा दिया जाता था कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते थे
कि इसमें फैक्ट क्या, जैसे हम और आप सब ने सुना होगा जब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया तो बहुत से रैशनलिस्ट खड़े हो गए कि द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम क्यों करना, इन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था और एकलव्य जो दलित था उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया था। कहीं ना कहीं हम सबके भी दिमाग में ये बात है, ईमानदारी से अगर हम कहें हमारे पास उसका कोई रैशनल उत्तर नहीं है। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना, मगर उसका कारण जानते क्या है? महाभारत में एकलव्य का उल्लेख कहां है, आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हमारे में से 99 लोगों ने वो नहीं पढ़ा, इवन चैप्टर भी नहीं पता होगा किस चैप्टर में एकलव्य का उल्लेख है। एकलव्य का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है, जब वो घटना है ना कि वो कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण थे और जब निकाला तो एक भी जगह पे उसके खून नहीं लगा हुआ था, तो अर्जुन चकित हुए कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन आ गया, तो वो एकलव्य प्रकट होता है और द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं तुम्हें तुम्हारा गुरु कौन है, तो वो कहते हैं आप ही हैं मेरे गुरु। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, मैंने तो कभी जाना नहीं, तुम गुरु कैसे हो गए? एकलव्य तुम अपने, वो पूछते हैं बालक तुम अपना परिचय दो, एकलव्य कहता है मैं मगध नरेश जरासंघ के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, ही वॉज अ सन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ मगध। अब दो में से एक बात मान लीजिए, जो कहते हैं, या तो मान लीजिए कि दलित कमांडर इन चीफ होते थे या एकलव्य दलित नहीं था, और दोनों ही नहीं मानेंगे और दोनों ही बातों को अपने अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे। और वहां पर उल्लेख ये नहीं है कि तीर चलाने से किसी को रोकना है, तीर तो भील भी चलाते थे, याद करिए महाभारत के अंतिम समय में, पुरुष बलि नहीं हो तो समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बान। बात यह थी कि दिव्य अस्त्र यानी डिवाइन वेपन्स, वो चलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस के पास होना चाहिए। क्या एटम बम रहता तो पोजिशन में आर्म फोर्सेस के है, न्यूक्लियर बटन किसके पास रहता है? चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस के पास नहीं, किसके पास रहता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो दिव्य अस्त्र का संधान सिर्फ राजा करेगा, यह सिद्धांत है, एंड इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट अलोन एंड अलोन कमांडर इन चीफ शुड नॉट हैव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट दैट टाइप ऑफ वेपन, इट हैज टू बी एंश्योर्ड। तो वो उसका प्रतीक, चलिए अन्याय हुआ, उसको प्रस्तुत किया गया अन्याय होने के रूप में। फिर द्रोणाचार्य की डेथ कैसे हुई? जब द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार मिलता तो उन्होंने तो सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए थे, उन्हें क्रोध आता है, अभी लो ब्रह्मास्त्र का संधान करता हूं, खत्म करता हूं पांडवों की सेना। जैसे ही वो संधान करते हैं तो भरद्वाज ऋषि समेत उनके पूर्वज प्रकट होकर कहते हैं क्या कर रहे हैं भाई, ये मर्यादा का अतिक्रमण है, you are not the owner and executor of this knowledge, you are the trustee of this knowledge. Like atom bomb banata kaun hai? DRDO. Technology kiske paas hai? DRDO ke paas. Chalane ka adhikar kiske paas hoga? Prime minister ke paas. Cabinet committee on securities will take a decision when it is to be used. The same thing was there. Dronacharya was DRDO. Eklavya was chief of the armed forces. But it has to be ensured that the nuclear button should always remain with the king. अब द्रोणाचार्य को लगता है कि अब अगर मैंने संधान नहीं किया तो पुत्र के मृत्यु का बदला नहीं ले सकता, और किया तो मर्यादा का हनन होता है, तो वो मर्यादा का हनन नहीं करते हैं, निराश होकर सारे अस्त्र शस्त्र छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं और उनका सर काट दिया जाता है। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कि दिव्य अस्त्रों का संधान सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट करेगा, इसके अनुपालन के लिए यदि एकलव्य का अंगूठा कटा तो उसी के अनुपालन के लिए द्रोणाचार्य का सर कटा। मगर चूंकि हम लोगों ने वो चीजें पढ़ी नहीं और अपने हिसाब से वो चीजें जो हमें बताई गई उससे हम कहीं ना कहीं, वो लोग जो एजेंडा था ना कि हम ग्लानी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सेटल हो गए। दूसरा इशू बताया जाता है साहब सीता जी को भगवान राम ने भेज दिया, बड़ा गलत काम किया, तो महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता था, उनको वन भेज दिया, वनवास दे दिया। ठीक है साहब, सीता जी को तो वनवास भगवान राम ने भेजा, ये राम को वनवास किसने भेजा था? केकई ने भेजा था ना। आप बताइए दुनिया किसी वर्ल्ड की किसी कल्चर में एक वुमेन की इतनी पावर थी कि राजा को अपना डिसीजन बदलना पड़े, सौतेला बेटा उसकी वजह से जंगल में जाने को तैयार हो जाए और राजा दशरथ ने पुत्र भी छोड़ा और प्राण भी छोड़े। एक कहावत है ना, प्राणते सुत अधिक है और सुतते अधिक प्राण, और ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीन हो जान।
यानी लोग कहते हैं ना सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है, प्राण या बेटा, और वो दोनों ही उन्होंने छोड़े मगर वचन नहीं छोड़ा, ये पक्ष नहीं बताया जाता है। क्योंकि माता पिता कहने में माँ बेटा तो कोई ना कोई किसी का होगा, वर्ग नहीं है जिसमें डिवीजन किया जा सके। द्रौपदी को जुए पे लगा दिया है तो बहुत गलत बात थी, उससे पहले पांच भाइयों को भी तो जुए पे लगाया, बताइए हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे ज्यादा हक है या भाइयों का? मगर भाई भाई को नहीं बना सकते, क्योंकि भाई भाई कोई ग्रुप नहीं है समाज में, मैं किसी का भाई हूं कोई मेरा भाई है। पर स्त्री पुरुष दो वर्ग हैं, इसमें टकराहट पैदा करो, जितना टकराहट पैदा कर सको। और ध्यान नहीं रहता होगा बहुत सी चीजों में, रामायण और महाभारत दोनों का अंत कहां पे होता है? रामायण का अंत भगवान राम के राज्याभिषेक पे नहीं होता, जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश पकड़ लेते हैं, भगवान राम की सारी सेना को परास्त कर देते हैं, भगवान राम स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं, तब सीता माता आके कहती हैं युद्ध मत करो ये तुम्हारे पिता हैं। तब भगवान राम अपनी गलती पर पश्चाताप करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप वापस चलिए, सीता जी नहीं जाती हैं और धरती में समा जाती हैं। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ रामायण। एंड एंड पॉइंट ऑफ महाभारत क्या है? युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से नहीं, न यादवी वंश के समाप्त होने से, भगवान कृष्ण की मृत्यु द्वारका में बहेलिए के द्वारा तीर लगने से क्यों हुई थी? गांधारी के श्राप से, कि जैसे मेरे पुत्र की मृत्यु हुई ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही महाकाव्य ईश्वरी शक्तियों की आसुरी शक्तियों पर विजय पर समाप्त नहीं हो रहे हैं, ईश्वर के ईश्वरत्व पर स्त्री के सतीत्व की विजय पर समाप्त हो रहे हैं। मगर इसके बावजूद हमें दूसरे ढंग से बताया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जितने भी फॉल्ट लाइंस हैं, आप थोड़ा थोड़ा एनालिसिस, इसमें मैंने आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जो आप सबको नहीं पता थी, केवल यह है कि हमने उसका कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश किया था। कनेक्शन एस्टैब्लिश करिए, एवरीथिंग।